दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन और हार्दिक पांड्या को एक खतरनाक और बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 का 18वां मैच मोहाली में खेला गया, जहां पर पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, तो उसका पूरा हाईलाइट आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों द्वारा रोंगटे खड़े कर देने वाले पूरे हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों आप दोनों टीमों में से किस टीम को सपोर्ट करते हैं, पंजाब किंग्स या फिर गुजरात टाइटंस को कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जहां पर मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में पंजाब को पहला झटका दे दिया, जहां पर ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने प्रभसिमरन सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं पंजाब किंग्स को चौथे ओवर में कप्तान शिखर धवन के रूप में दूसरा झटका लगता है, जहां पर धवन 8 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जहां पर जोशुआ लिटिल ने उन्हें कैच कराकर आउट करवा दिया। वहीं धवन के आउट होने के बाद उतरे बल्लेबाज मैथ्यू शॉट शानदार बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी के साथ ही पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में अच्छी स्थिति में पहुंच गई थी, जहां पर टीम ने शुरुआती ओवरों में 2 विकेट गंवाए थे, लेकिन शॉट के 35 रनों की बदौलत पंजाब ने 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए थे, जहां पर भानुक ने 3 रन बनाए थे। वहीं ताबड़तोड़ पारी खेलकर मैथ्यू शॉट पवेलियन लौट गए, जहां पर राशिद खान ने अपने पहले ही ओवर में उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां पर शॉट ने 24 गेंद में शानदार 36 रन बनाए और पारी में इस दौरान उन्होंने 6 शानदार चौके और 1 शानदार छक्का भी लगाया। वहीं पंजाब किंग्स ने 10 ओवर में 3 विकेट खोकर 75 रन बना लिए थे, जहां पर टीम के स्टार बल्लेबाज भानुका 10 रन बनाकर खेल रहे होते हैं और दूसरे छोर से जितेश 15 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं जितेश शर्मा 23 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जहां पर गुजरात के लिए डेब्यू मैच खेल रहे मोहित शर्मा ने उन्हें कांच आउट करा दिया। और इसी के साथ ही पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों को 12 से 16 ओवर के बीच ज्यादा बड़े शॉट लगाने का मौका नहीं मिला, जिसके कारण टीम अनुमानित स्कोर से पीछे चल रही थी। वहीं भानुका राजपक्षे 26 गेंद में 20 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, जहां पर उनकी धीमी पारी का अंत अल्जारी जोसेफ ने कर दिया। और वहीं भानुका के बाद सैम करन भी धीमी पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं, जहां पर सैम ने 22 गेंद में 22 रन ही बना पाए थे और पारी में इन्होंने 1 शानदार चौका और 1 शानदार छक्का भी लगाया था। और पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 153 रन बना लिए थे, जहां पर गुजरात के लिए मोहित शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। वहीं 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और सुमन गिल क्रीज पर आते हैं ओपनर के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए और दोनों से टीम बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही होती है और दोनों खिलाड़ी इस उम्मीद पर खरा भी उतरते हैं, जहां पर सलामी बल्लेबाज सुमन गिल और साहा ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 28 गेंद में 48 रन की साझेदारी हो जाती है। वहीं गुजरात टाइटंस को साहा के रूप में पहला झटका लगता है, जहां पर विकेटकीपर बल्लेबाज 19 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और उन्होंने इस पारी के दौरान 5 शानदार चौके भी जड़े थे। वहीं पावर प्ले में गुजरात टाइटंस ने 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 56 रन बना लिए थे, जहां पर गिल 25 और साई 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद होते हैं और अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं गुजरात ने 10 ओवर में 1 विकेट खोकर 80 रन बना लिए थे और गुजरात को जीत के लिए अभी भी 60 गेंद में 74 रन की आवश्यकता होती है, जहां पर गिल 36 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन 20 गेंद में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, जहां पर पारी में उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए थे और गिल अर्धशतक के करीब धीरे धीरे पहुंच रहे थे। और वहीं गुजरात टाइटंस ने 14 ओवर में अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे, जहां पर हार्दिक और गिल इस समय क्रीज पर मौजूद होते हैं और अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और अभी गुजरात को जीत के लिए 36 गेंद में 49 रन की आवश्यकता होती है। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर सस्ते में पवेलियन लौट जाते हैं, जहां पर उन्होंने केवल 11 गेंद में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं, जहां पर बरार ने उन्हें कैच आउट करवा दिया। और इसी के साथ ही आपको बता दें सलामी बल्लेबाज सुमन गिल 40 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं, जहां पर उन्होंने इस पारी के दौरान 6 शानदार चौके जड़े। और इसी के साथ ही गुजरात टाइटंस का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन हो जाते हैं। वहीं गुजरात की टीम को जीत के लिए 12 गेंद में 12 रन की आवश्यकता होती है, जहां पर सुमन गिल 66 रन और मिलर 12 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से जीत की तरफ ले जाते हैं।
वहीं हार्दिक की टीम गुजरात को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 गेंद में 7 रन चाहिए होते हैं, जहां पर पहली गेंद पर मिलर ने 1 रन चुराया। वहीं दूसरी गेंद पर बड़ा साल लगाने के प्रयास में गिल पवेलियन लौट जाते हैं, जबकि तीसरी गेंद पर तेवतिया ने 1 रन लिया। वहीं चौथी गेंद पर मिलर यार्कर मिस कर गए और फिर बाई के रूप में 1 रन मिल जाता है गुजरात टाइटन्स को। वहीं पांचवी गेंद पर राहुल तेवतिया ने विजयी शानदार चौका जड़ दिया और गुजरात ने 6 विकेट से यह मैच जीत लिया।